दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर फैक्ट्रीज पे। दोस्तों, इसराइल एक छोटा सा देश है जो रेगिस्तान से सटा हुआ है। इसराइल की आधी से ज़्यादा भूमि बंजर है, साथ ही यहाँ मौसम संबंधी कठिनाइयाँ और जल की कमी जैसी गंभीर समस्याएं हैं। इसके बावजूद यहाँ कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक नतीजे देखने को मिलते हैं। इसराइल ने खेती का स्मार्ट तरीका अपनाया है, वहाँ पानी की बचत से लेकर फसलों के प्रोडक्शन पर तो बहुत काम हुआ है। साथ ही कम पावर में ज़्यादा काम करने के मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, इससे किसानों को समय बचता है और खेती भी स्मार्ट होती है। इसराइल की खेती में स्मार्ट तरीका अपनाया है, टपकन सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन तकनीक। दोस्तों, इस तकनीक के इस्तेमाल से पानी और पैसा दोनों बचाया जा सकता है। इस तकनीक में ड्रिप को धीमा और संतुलित किया जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इसराइल की टपकन सिंचाई विधि अब कई देशों में इस्तेमाल की जा रही है। इस विधि से इसराइल से बाहर लगभग 700 ऐसे किसान परिवार हैं जो साल में अब 3 फसलें पैदा कर रहे हैं, जो कि पहले एक ही फसल पैदा होती थी। दोस्तों, अन्न कोष इसराइल में एक ऐसे अन्न कोष का निर्माण किया है जिसमें किसान को कम खर्च में अपनी फसल को ताज़ा और सुरक्षित रख सकते हैं। इंटरनेशनल फूड टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट और प्रोफेसर सिलोमो नार्बो ने इस बड़े बैग को बनाया है। ये बैग हवा और पानी दोनों में सुरक्षित रहेगा। ये बैग उपज की सुरक्षा के लिए कारगर साबित हो रहा है। भीषण गर्मी और सीलन होने के बावजूद इस बैग में रखी फसलें सुरक्षित रहती हैं। जैविक कीट नियंत्रण, इसराइल के बायोबीन नामक कंपनी ने ऐसी कीट नियंत्रण दवा का निर्माण किया है जो किसी छिड़काव से कीड़ों को दूर कर सकते हैं, लेकिन इससे मक्खियाँ और भौरों को कोई नुकसान नहीं होता और इसके प्रयोग के बाद से पैदावार 75% तक वृद्धि हुई है। बायोबी की दवा और भैरों का प्रयोग इस समय 32 देशों में किया जा रहा है, जिससे जापान और चिली भी शामिल हैं। डेयरी फार्मिंग, इसराइल में 3 तरह के डेयरी फार्म हैं, होस हैरिसन डेयरी फार्म, एसीआई एफिकिन और एसीआर प्रिजाइज डेयरी फार्म। इसके प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की सप्लाई की जा रही है। दोस्तों, बता दें, गर्मी में भी आलू पैदा करने की तकनीक इसराइल ने की। लगभग 30 सालों के शोध के बाद हिब्रू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड लेवी ने आलू की एक ऐसी प्रजाति ईजाद की है जो भीषण गर्मी में भी पैदा होती है। आलू दुनिया में खाई जाने वाली प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है, लेकिन गर्मी में इसकी पैदावार नहीं होती थी। इसराइल की वाटर टेक्नोलॉजी, ताल या वाटर टेक्नोलॉजी में दोबारा प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे प्लास्टिक ट्रे का निर्माण किया है जिसमें हवा से ओस की बूंदें एकत्र की जा सकती हैं और यह तकनीक कड़ी धूप से भी पौधों को बचाती है। इस विधि में पौधों की 50% पानी की जरूरत पूरा हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें, ग्रो फिश इनक्यूबेटर तकनीक, इस तकनीक में एक ऐसा टैंकर बनाया जाता है जिस पर किसी समस्या का असर नहीं पड़ता है। अमेरिका में इस तकनीक का प्रयोग बड़ी संख्या में किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, इसी तकनीक के कारण इसराइल आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे आगे है। दोस्तों, यहाँ पानी की भारी कमी होने के कारण भी आसानी से खेती की जा रहा है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ऐसे ही हमें जो पार्ट वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।